खेत कचरों से सावधान रहे, छोटे बच्चों के हाथ पकड़ के रखे, माता बहने तो ये आप देख सकते हो कि मतलब अलग है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मतलब मिस्टर गो के चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम है फिलहाल उज्जैन में और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है बाबा महाकालेश्वर जी का। तो अभी हम वहीं उन्हीं के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद भैया ने कहा कि मतलब माता का मंदिर भी वहीं है, सो मैं आप लोगों को भैया से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो भैया अभी फिलहाल मैं जहाँ पर रुका हूँ वहाँ पर अंकिता होटल करके है, वहाँ पर डोमेट्री है, सस्ता रूम है, हम ट्रैवलर्स के लिए एफोर्डेबल है, 225 का रूम है। तो वहीं पर भैया भी थे, तो भैया वहीं पर मिले, तो अभी बात थोड़ी देर पहले बात ही हुई तो हम दोनों साथ में निकल गए। तो आज सोमवार भी है, बाबा का दिन भी है, तो सोचा कि चलो दोनों साथ में ही निकलते हैं। ठीक है, फिर चलिए बाकी हम आपको आगे की चीज़ें दिखाते हैं, तब तक स्टे ट्यून। तो फिलहाल अभी यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके हैं मैं और भैया, तो इसके बाद यहाँ से जाएंगे महाकालेश्वर, तो तब तक स्टे ट्यून। तो चाय वगैरह तो पी लिया हमने, अब जा रहे हैं महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए, तो तब तक स्टे ट्यून। चले तो दोस्तों, हमने दो मैजिक लिया, पहले वाले मैजिक से तो उतर गए हम, अब दूसरे मैजिक में बैठे हैं। ये महाकाल का महाकाल मंदिर पहुँचाएगी दीदी। ये कौन सा बोला आपनेगंज टावर, ये जहाँ पर अभी हम रुके हैं ये फेरीगंज टावर, और यहाँ से कहाँ जाएंगे दी? तो यहाँ से सीधे भोपाल मंदिर, उसके बाद सीधे महाकाल मंदिर हम पहुँचेंगे, तो तब तक स्टे ट्यून। दोस्तों हम मैजिक से उतर चुके हैं और अभी फिलहाल हम जा रहे हैं भोपाल मंदिर, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे भैया? गोपाल गोपाल ओ सॉरी महाकाल गोपाल मंदिर, उसके बाद हम जाएंगे महाकाल। तो उज्जैन के बारे में मुझे दो या तीन चीज पता थी, जैसे टॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो जो लाइन है वो यहीं से गुजरती है, मतलब उज्जैन होते हुए गुजरती है। तो और इन्फॉर्मेशन मुझे क्या मिली कि जो श्री कृष्ण और बलराम जी थे उनकी जो एजुकेशन थी वो भी यहीं से पूरी हुई उज्जैन से, और जो महाकाल मंदिर के अंदर जो शिवलिंग स्थित है वो है दक्षिण की ओर मुंह करते हुए, मतलब दक्षिण मुखी भारत, पूरे भारत में मतलब सिर्फ शायद एक ही है पूरे भारत में, एक ही ऐसा शिवलिंग है जो साउथ की तरफ मुंह करके वो स्थापित है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, वो इसलिए है साउथ की तरफ, क्योंकि जो साउथ की तरफ हमारे सनातन में कहावत है कि मतलब साउथ की तरफ काल का क्या होता है भैया, साउथ की तरफ साउथ की तरफ जो यमराज होते हैं वो स्थित रहते हैं, मतलब वो वहाँ पर साउथ में रहते हैं, उन पे नजर रहती है महाकाल, तो उन पे जो महाकाल का नजर हमेशा बनी रहती है, इसीलिए उनको कालों का काल महाकाल भी कहा जाता है। तो चलिए पहले हम गोपाल मंदिर होए, फिर उसके बाद हम महाकाल मंदिर जाएंगे, फिर उसके बाद आरती भी देखेंगे हम शाम को जो आरती होती है माता का। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये यहाँ का मार्केट एरिया है, तो दोस्तों सामने जो अभी मैंने आपसे जिक्र किया था गोपाल मंदिर, जो श्री कृष्ण जी का मंदिर है वो है, ये सामने देख सकते हो आप। तो अभी हम वहीं पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, चलते हैं। काफी भीड़ है यहाँ पर ना, बहुत भीड़। फिलहाल हम दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, तो पहले अभी अंदर में दर्शन कर लो, फिर उसके बाद हम जाएंगे महाकाल।
तो ये मंदिर के अंदर का है, तो यहाँ पर गोपाल जी हैं। तो जो मंदिर का स्टोरी है मैं दिखाऊंगा आपको। इसके लिए आप पॉज करके देख सकते हो मंदिर का स्टोरी। तो अभी फिलहाल हम महाकालेश्वर मंदिर जा रहे हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं महाकाल मंदिर। तो ये एंट्रेंस है महाकाल मंदिर का, तो यहीं से एंटर होंगे हम। दोस्तों मैंने यहाँ पर महाकाल जी का ठप्पा लगा लिया है, तो अम्मा ने हमें लगा दिया, तो इसका शुक्रिया था, मैं अम्मा को देना चाहता हूँ। तो अभी हम फिलहाल मंदिर का दर्शन करने के लिए चलेंगे, तो तब तक स्टे ट्यून्ड। महाकाल। तो देखिए दोस्तों दर्शन करने के लिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर ना। तो दर्शन से पहले यहाँ पर जूता उतार देते हैं हम। तो जूते उतार के हाँ जी, तो ये है आप देख सकते हो अंदर का, मतलब एंट्रेंस के अंदर। मजा आ गया। तो ये अभी तो यहाँ पर नंदी महाराज भी विराजमान है। तो यहाँ पर माता की आरती होने वाली है। तो दोस्तों अभी फिलहाल आरती स्टार्ट हुई नहीं, मतलब भजन वगैरह कीर्तन वगैरह। हरसिद्धि माता, हरसिद्धि माता मंदिर है, अभी देखना दिए जलेंगे। तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं, अभी मतलब भजन हो रहा है कीर्तन हो रहा है, तो दिखाऊंगा मतलब बहुत भव्य तरीके से होता है यहाँ पर। तो मैं भैया का थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मतलब मुझे पता नहीं था यहाँ के बारे में इतनी ज़्यादा, तो भैया ने बोला हर एक चीज़ दिखाऊंगा कहके। तो अभी स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर आरती होगी बहुत बड़ी, कम से कम साढ़े 1000 की है। तो यहाँ से हेलो गेट, हेलो गेट। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर शायद बहुत बड़ा दिया है, तो इसमें आई थिंक 1000 के करीब दिए है। तो इसमें देखो आप, इसमें अभी जलेंगे, दिए जलेंगे टोटल। तो ये देखने के लिए मैं भी बैठा और भैया भी बैठे हुए हैं, तो अलग ही एक्सपीरियंस है।
मेरे भाई बहन ने जितने भी जान गुमाए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करने के लिए बैठा हुआ। 1986 के टाइम पे जान गुमाए, 2017 के टाइम पे जान गुमाए, उनकी आत्मा आज भी तड़प रही होगी, बस उनकी आत्मा शांति के लिए बस आज यहाँ पर भी प्रे करूँगा। तो बैठा हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है, किस्मत में लिखा हुआ होता है कि मतलब ऐसा काम करना है। स्टार्ट हो चुकी है, तो ये आप पूरा जलेगा। तो ये आप देख सकते हो कि मतलब कितना सारा दिया जल रहा है यहाँ पर। माता बहने गेट पर से मंगल सूत्र का ध्यान रखे, बीच में रस्ते में खड़े ना हुए, बीच में रस्ते में खड़े ना हुए, गेट पर से मंगल सूत्र का ध्यान रखे। दीप कचरों से सावधान रहे, भीड़ में दीप कचरों से सावधान रहे। माता बहने चेन पर्स मंगल सूत्र का ध्यान रखे। आप लोगों ने देख लिया होगा आरती हो रही है और यहाँ पर दिए जल रहे हैं, काफी अच्छा चीज है। ये देख सकते हो आप। तो फिलहाल दोस्तों हम आरती से बाहर आ चुके, अब हम जा रहे हैं घाट पे। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मुझे मिली देखने को वो सारा श्रेय जाता है भैया को, क्योंकि मुझे श्रेय नहीं जाता है, बाबा महाकाल ने हमको इन भाई साहब से मिलवाया और इन भाई साहब को जो जो हमने बताया वो भाई साहब ने पूरे दिल से बाबा के दर्शन किए और हमारे थ्रू बाबा आपसे कनेक्ट होंगे और बाबा का आशीर्वाद आपके पास पहुँचेगा। जय श्री महाकाल। तो अब हम जा रहे हैं रामघाट की तरफ, तो तब तक स्टे ट्यून्ड। ये है रामघाट जैसा मैंने आपको बताया, तो अभी फिलहाल हम रामघाट पे हैं। तो ये है, देख सकते हैं आप। तो भैया ने अभी ये लिया दिया और चारा था, मछली का चारा अभी जलाएंगे। यहाँ पर अभी भैया दिया जलाएंगे, फिर उसको बहाएंगे भैया, उसको बहाया जाएगा, फिर उसके बाद मछली को चारा डाला जाएगा, फिर हम थोड़ी देर बैठेंगे, फिर उसके बाद हमारे रूम पे निकल जाएंगे हम। तो ये चारा हम भी डालेंगे। चारा वगैरह भाई ये आटे की है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कल शाम को हमने काफ़ी इन्जॉय किया, महाकाल मंदिर गए थे, फिर उसके बाद हमने शाम को आरती भी देखी, फिर उसके बाद हम रामघाट भी गए थे। तो भैया भी यहाँ से ऑफिस चले जाएंगे,
कमलेश भैया हमारे, तो भैया की वजह से मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वगैरह मिली उज्जैन के बारे में, महाकाल मंदिर के बारे में और जितने भी घाट वगैरह उनके बारे में, आरती के बारे में। तो भैया नहीं होते तो शायद मैं इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता आप लोगों को। तो अब हमें बिछड़ना पड़ेगा, फिर कभी मिलेंगे, है ना भैया। तो मैं भी निकल जाऊँगा 12 बजे के करीब दिल्ली के लिए। तो सबसे फिर से मैं भैया को कहना चाहूँगा कि अगेन 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 थैंक यू वेरी मच भैया। तो बाकी आपसे मिलते हैं अब स्टेशन में, स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ तो स्टेशन में ही मिलते हैं, तो तब तक स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली गाइस मध्य प्रदेश का सफर यहीं पर ख़त्म होता है और मैं निकल चुका हूँ रेलवे स्टेशन के लिए। होप यू गाइस इन्जॉय द वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टेट में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून। टेक केयर, बाय बाय।